हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। आज हम अंगूर की सब्जी बनाएंगे। ये खट्टे और मीठे दोनों तरह के अंगूर मिक्स हैं, तो आप इसे सब्जी की तरह भी यूज कर सकते हैं और चटनी की तरह भी। जैसे हम केले की चटनी बनाते हैं, भल्ले में खा सकते हैं डाल के, किसी भी चाट पापड़ी में डाल सकते हैं, और चावल से, रोटी से, परांठे से, किसी भी चीज़ से खा सकते हो इसे, और सब्जी की तरह भी खा सकते हैं। उसके लिए मैंने ये इमली भिगो ली है। इसका रसा हम इमली का जो पल्प होएगा वो निकाल के 2 चम्मच डाल लेंगे, और मैंने 4 बड़े चम्मच चीनी ले ली है, 1 चम्मच सौंफ और जीरा मिला के है। ये मसाले में नमक है, जीरा पाउडर है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च है, और चाट मसाला 1 चम्मच, 1/2 चम्मच काला नमक है, और धनिया पाउडर है 1 चम्मच। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, खट्टा मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें से मैं एक छोटी कटोरी अंगूर की पीस लूंगी मिक्सी में, और बाकी को या तो आप साबुत डाल सकते हैं या 2 टुकड़े करके काट के डाल सकते हैं। इसे हम देसी घी से छौंकेंगे। तो सबसे पहले मैं अंगूर को पीस लेती हूँ और काट लेती हूँ। अंगूर मैंने पीस लिए हैं और ये 1 कटोरी निकाल के रख ली है, और इधर गैस जला लेते हैं। ऐसे अंगूर के 2 पीस कर लेंगे, और छोटे हैं तो आप साबुत भी डाल सकते हैं, साबुत भी अच्छे लगते हैं इसमें। अब यहाँ पे मैं 1 चम्मच घी डाल लूँगी, 1 बड़ा चम्मच डाल लेंगे, जीरा और सौंफ भी डाल लेंगे, थोड़ा इसे चटकने देंगे। ये जो अंगूर पिसे हुए हैं ये डाल लेती हूँ इसमें मैं। अब यहीं पे मैं चीनी भी डाल लूँगी। आप इसमें 2 लौंग भी डाल सकते हैं अगर लौंग पसंद करते हैं तो। अब गर्मी है तो लौंग वैसे नहीं डालनी चाहिए, अगर आपको पसंद है तो डाल सकते हैं। इसमें उबाला आ गया, इसे 2 मिनट के लिए उबलने देंगे ऐसे ही। 2 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। अब सारे मसाले जो मैंने निकाले थे वो डाल लूंगी इसमें, मिक्स कर लेंगे। जो हमने इमली भिगोई थी उसको भी डाल लेंगे यहीं पे। ये बहुत जल्दी बन जाती है। आप इसमें थोड़ी हल्दी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली हल्दी। 2 चम्मच इमली का पल्प या इमली का रसा डाल लेंगे। इसे छान के डाल रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी खिरक आ जाती है। कम से कम इसे हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे मसालों के साथ, इमली के साथ। अब इसे पकते हुए 4 मिनट हो गए हैं, अंगूर डाल लेंगे यहीं पे। आप इसमें सौंठ का पाउडर भी डाल सकते हैं, जो अदरक का पाउडर होता है वो, तो गरम होता है इसलिए नहीं डाल रही मैं बिना उसके ही बनाऊंगी। अब अंगूर जब तक ये थोड़े गल नहीं जाते तब तक पकाएंगे हम इसे, तो फिर उसके बाद हमारी चटनी ये तैयार हो जाएगी। अंगूर अच्छी तरह गल गए हैं और फूल भी गए हैं। अब हम गैस को बंद कर लेंगे और चटनी ये एकदम तैयार हो गई है और गाढ़ी हो गई है। आप इससे ज़्यादा गाढ़ी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो गैस को बंद कर लेते हैं।